नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब? बेटा आज हम बात करेंगे आपके थ्योरम 10.1, बेहतरीन थ्योरम है और पूरा चैप्टर जो है काफ़ी हद तक इस थ्योरम पर बेस्ड है। इस चैप्टर में आपके दो थ्योरम है बेटा, 10.1 थ्योरम और 10.2 थ्योरम। तो दो वीडियो अलग अलग हैं, 10.1 की अलग थ्योरम की वीडियो है और 10.2 थ्योरम उसकी वीडियो अलग है। 10.1 थ्योरम जो है बेसिकली आपको पता लगेगा कि टेंजेंट लाइन और रेडियस लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है। तो बड़ा छोटा सा थ्योरम है, इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है, आपको मज़ा आएगा। तो चलिए बेटा आज स्टार्ट करते हैं, पहले सीखते हैं थ्योरम 10.1। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं थ्योरम 10.1। पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि थ्योरम कहना क्या चाह रहा आपसे, तब इसको प्रूफ करने में मजा आएगा आपको। देखिए बेटा, कह रहा है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल। टेंजेंट होता है ना, सर्कल का जो टेंजेंट होता है। कह रहा है आपसे कि मान लीजिए सर्कल का कोई एक टेंजेंट लाइन है जो किसी पॉइंट पर टेंजेंट है। मान लीजिए पी पर टेंजेंट है, ठीक है। मैं अभी रफली डायग्राम बना रहा हूं बेटा, ये सिर्फ रफली डायग्राम है, अभी मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा, सिर्फ रफली आपको समझा रहा हूं। देखो मैंने पूरा क्वेश्चन एक बार में नहीं पढ़ा, क्वेश्चन को छोटे छोटे स्टेप में पढ़ना है समझने के लिए। तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, ये टेंजेंट है, इज परपेंडिकुलर। क्या कह रहा है? वो परपेंडिकुलर होगा, ये टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर होगा। किस पर परपेंडिकुलर होगा? तो टू द रेडियस, ये रेडियस में परपेंडिकुलर होगा, ये रेडियस पे परपेंडिकुलर होगा। मान लीजिए बेटा ये सेंटर है और ये रेडियस है, तो जो टेंजेंट है वो रेडियस पे परपेंडिकुलर होगा। ये आपको प्रूफ करना है कि रेडियस लाइन और टेंजेंट लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है। ये सिर्फ रफली डायग्राम मैंने आपको बनाया है, हालांकि आपके बुक में भी डायग्राम बना हुआ है, आप चाहो तो एज इट इज ये डायग्राम भी ले सकते हो। आपके बुक में ये डायग्राम बना हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ डायग्राम, आपके बुक में भी ये डायग्राम है, आप चाहो तो एज इट इज ये डायग्राम ले सकते हो। बट हमें पता होना चाहिए हम डायग्राम क्यों लेने वाला। ये सर्कल है, ये टेंजेंट लाइन है, ये आपका रेडियस है। आपको प्रूफ करना है कि रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है। समझिए बेटा, नाउ इसको प्रूफ करने के लिए हम कैसे प्रूफ करेंगे? सबसे पहले एक सर्कल बना लेंगे, सर्कल में एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, उसको रेडियस से मिला लेंगे। ये हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है कि ये परपेंडिकुलर है। तो हमने क्या करा कि ये मान लीजिए परपेंडिकुलर है या नहीं है पता नहीं, हमने पी के अलावा कोई दूसरा पॉइंट ले लिया, क्यू हमने अपनी तरफ से ले लिया, पी के अलावा कोई और पॉइंट ले लिया इस टेंजेंट लाइन पर, टेंजेंट लाइन पर हमने कोई और पॉइंट ले लिया क्यू, और ओ को क्यू से ज्वाइन कर दिया, जिसे हम कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो यही चीज मैंने प्रॉपर तरीके से आपके लिए यहां पर बना रखा है। तो डायग्राम आपको बिल्कुल खूबसूरत सा बढ़िया सा बनाना है इस प्रकार से। तो सबसे पहले हम आएंगे बेटा गिवन पे, सबसे पहला काम है आपको अच्छे से गिवन लिखना। तो सबसे पहले लिखेंगे बेटा गिवन, हिंदी में बोलते हैं बेटा दिया है, हिंदी में बोलेंगे बेटा दिया है, इंग्लिश में बोलोगे बेटा गिवन। क्या गिवन है? एक सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर ओ है, अ सर्कल ऑफ सेंटर ओ, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और ए बी टेंजेंट है पी पर, पॉइंट पी पर। ए बी इज अ टेंजेंट लाइन, ए बी इज अ टेंजेंट लाइन इंटरसेक्ट, जो कि इंटरसेक्ट करता है, कहां पर इंटरसेक्ट करता है? तो एट पी, पी पर इंटरसेक्ट करता है। अ सर्कल ऑफ सेंटर ओ, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, ए बी एक टेंजेंट लाइन है जो इंटरसेक्ट करता है पी पर, पी पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है बेटा। हिंदी मीडियम क्या लिखोगे बच्चों? हिंदी में लिखोगे एक ओ केंद्र वाला वृत्त, ओ केंद्र वाला वृत्त, एक ओ केंद्र वाला वृत्त है, आपको ये गिवन है। और एक आपको स्पर्श रेखा दे रखा है, ए बी स्पर्श रेखा है, ए बी जो है स्पर्श रेखा है, ए बी आपको टेंजेंट लाइन दे रखा है। नाउ गिवन के बाद आपको लिखना पड़ेगा बेटा टू प्रूव, क्या प्रूव करना है सर? हिंदी मीडियम लिखोगे बेटा सिद्ध करना है। मैं दोनों मीडियम लिखवाता हूं ताकि किसी की इंग्लिश कमजोर भी हो तो वो अच्छे से समझ पाए। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है बेटा? ओपी जो है, ओपी परपेंडिकुलर होना चाहिए टेंजेंट लाइन ए बी पर, ए बी पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। जो ओपी है बेटा, ओपी, ओपी जो है ये आपका परपेंडिकुलर होना चाहिए ए बी पर, ये हमें प्रूफ करना है। तो ये हमें प्रूफ करना है कि ओपी परपेंडिकुलर होना चाहिए ए बी पर। नाउ हमने कंस्ट्रक्शन भी कराया,
हमने कंस्ट्रक्शन भी करा है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रचना। हमने एक पॉइंट लिया है क्यू, टेकिंग अ पॉइंट, टेकिंग अ पॉइंट, टेकिंग अ पॉइंट क्यू। हमने एक पॉइंट क्यू लिया है अदर देन पी, अदर देन पी। हमने एक पॉइंट क्यू लिया है जो पी के अलग है, टेकिंग अ पॉइंट क्यू। हमने एक पॉइंट क्यू लिया है जो पी से बिल्कुल अलग है, किस पर लिया है तो ए बी पर, ए बी पर लिया है। तो टेकिंग अ पॉइंट क्यू अदर देन पी ऑन ए बी, हमने ए बी पर एक क्यू पॉइंट लिया है। ठीक है बेटा, हिंदी मीडियम लिखोगे बेटा, बच्चों हिंदी मीडियम लिखोगे, ए बी पर, ए बी पर पी के अतिरिक्त, पी के अतिरिक्त क्यू लिया, क्यू लिया है। और फिर हमने क्या करा, तो ओ क्यू को ज्वाइन कर दिया, ओ क्यू को ज्वाइन कर दिया। तो ये भी हम साइड में लिखेंगे, ज्वाइन ओ क्यू, ज्वाइन ओ क्यू, हमने ओ क्यू को मिला दिया, ओ क्यू को मिलाया, मी ला या मिलाया, है ना मिलाया। ठीक है बेटा, क्या समझ में आ गया बेटा? देखो कैसे हमने लिखा, बच्चों आपके पास एक सर्कल है, इस सर्कल पे एक टेंजेंट लाइन है, रेडियस है, तो हमें प्रूफ करना है कि टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है। हमने एक पॉइंट क्यू ले लिया जो पी से अलग है और हमने ओ क्यू को ज्वाइन कर दिया। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा, गिवन दिया है एक सर्कल जिसका सेंटर ओ है, ए बी उस पर टेंजेंट लाइन है जो पी पे इंटरसेक्ट करता है, ए ओ केंद्र वाला वृत्त लिया और ए बी उसकी स्पर्श रेखा है। हमें प्रूफ क्या करना है कि ओ पी परपेंडिकुलर है ए बी पे। कंस्ट्रक्शन क्या करी हमने, हमने एक पॉइंट लिया क्यू जो कि पी से बिल्कुल अलग है, किस पर, ए बी पर लिया और हमने उस ओ को क्यू से ज्वाइन कर दिया। ए बी पर पी के अतिरिक्त हमने क्यू लिया है और ओ क्यू को मिला दिया है। नाउ अब हम बच्चों प्रूफ करेंगे, अब हम प्रूफ करेंगे। तो कायदे से आप यहां पर प्रूफ करना, यहां पर नीचे प्रूफ करना, यहां पर जगह है आपके पास, यहां प्रूफ करना। बट क्योंकि मुझे डायग्राम बार बार बताना पड़ेगा आपको, तो मैं इस चीज को प्रूफ में यहां पर साइड में डायग्राम यहां ले लेता हूं बेटा और प्रूफ में यहां कर देता हूं। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, मैं सिर्फ समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं ताकि आप डायग्राम देखते रहो। हिंदी में आएगा बेटा उपपत्ति, प्रूफ। नाउ हम इसको प्रूफ करेंगे बेटा। तो कैसे प्रूफ करेंगे, बड़ा आसान, स्टेप बाय समझेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय समझाऊंगा आपको कि किस प्रकार से हम प्रूफ कर सकते हैं कि ओपी परपेंडिकुलर है एबी पर। देखिए बेटा, आपने जो क्यू पॉइंट लिया है या कोई भी पॉइंट लिया आपने, वो सर्कल के बाहर है, टेंजेंट लाइन है। क्यू जो पॉइंट लिया है, कोई भी पॉइंट लोगे सर्कल के बाहर होगा। क्यू इज आउटसाइड द सर्कल, क्यू वृत्त के बाहर है, क्यू वृत्त के बाहर है। क्यू इज, यहां से स्टार्ट होगा पहला पॉइंट, क्यू इज आउटसाइड द सर्कल, क्यू इज आउटसाइड द सर्कल, क्यू वृत्त के बाहर है ना, बाहर ही है ना। अगर ये बाहर है, अगर ये वृत्त के बाहर है, सर्कल के बाहर है, तो ओ क्यू जो होगा बड़ा होगा और ओ पी छोटा होगा। क्लियर होगी मेरी बात? अगर ये सर्कल के बाहर है, सर्कल के बाहर है, तो ये सर्कल पर है और ये सर्कल के बाहर है। आप खुद दिमाग लगाओ, ये सर्कल के ऊपर है, पी जो है सर्कल के ऊपर है और क्यू सर्कल के बाहर है, तो ओ क्यू बड़ा होगा और ओ पी छोटा होगा। ओ क्यू इज लॉन्गर देन ओ पी, ओ क्यू इज लॉन्गर देन ओ पी, ओ क्यू लॉन्गर है ओ पी से। तो सेकेंड स्टेप लिखेंगे, ओ क्यू इज लॉन्गर, ओ क्यू इज लॉन्गर देन ओ पी। हिंदी में क्या लिखेंगे बेटा, ओ क्यू ओ पी से बड़ा है, है ना। क्या आप दो बातें समझ में आएगी बेटा, Q इज आउटसाइड द सर्कल, बिल्कुल स्टेप बाय लिखना है, Q जो है सर्कल के बाहर है, बिल्कुल समझ के तरीके से स्टेप बाय चलना है, Q सर्कल के बाहर है। अब Q अगर सर्कल के बाहर है तो इसका यह मतलब हुआ कि OQ जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा, किससे, OP से। OQ जो है, OQ जो है बेटों, ये हमेशा ग्रेटर होगा, किससे ग्रेटर होगा, OP से। क्या आपको दो बातें समझ में, इन दो पॉइंट में ही आंसर है, इन दो पॉइंट में ही एक्चुअल आंसर है। अगर आपको दो बातें समझ में आएगी तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, इन दो पॉइंट में ही आंसर छुपा हुआ है। क्यू जो है वो सर्कल के बाहर है तो ओ क्यू हमेशा ओपी से बड़ा होगा। अब समझिए, मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, मान लो यहां पे मैं एम लेता हूं, यहां पे मैं एम एन लेता हूं,
यहां पे मैं एक्स ले लेता हूं, यहां मैं वाई ले लेता हूं, तो मैं पी के अलावा कोई भी पॉइंट लू वो हमेशा ग्रेटर ही होगा। पी के अलावा मैं कोई भी पॉइंट ले लू तो वो उसको जब ओ से मिलाऊंगा तो वो ग्रेटर होगा। चाहे मैं ओ एम को मिला लू, ओ एन को मिला लू, ओ एक्स को मिला लू, ओ वाई को मिला लू, तो वो हमेशा ग्रेटर ही होगा। यानी पी के अलावा मैं कोई भी पॉइंट लूंगा तो वो लाइन हमेशा ग्रेटर होगी, हमेशा बड़ी संख्या होगी। तो मैं लिखूंगा 4 ऑल पॉइंट अदर देन पी, 4 ऑल पॉइंट अदर देन पी, पी के अतिरिक्त सभी बिंदुओं के लिए, 4 ऑल पॉइंट अदर देन पी, पी के अलावा सभी पॉइंट के लिए जो लाइन होगी वो बड़ी होगी, ओपी जो होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ओपी सबसे कम दूरी होगी। फॉर ऑल पॉइंट अदर देन पी, पी के अतिरिक्त सभी पॉइंट के लिए, पी के अतिरिक्त सभी पॉइंट के लिए जो ओपी होगा, ओपी मस्ट बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर ऑल पॉइंट अदर देन पी, पी के अतिरिक्त सभी पॉइंट के लिए ओपी जो होगा वो सबसे कम दूरी पे होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। हिंदी में क्या लिखूंगा बेटा, पी के अतिरिक्त सभी बिंदुओं के लिए, पी के अतिरिक्त सभी बिंदुओं के लिए, सभी बिंदुओं, पी के अतिरिक्त सभी बिंदुओं के लिए ओपी न्यूनतम दूरी होगा, ओपी न्यूनतम दूरी होगा। बेटा यही आंसर छुपा हुआ है, इसी में आंसर छुपा हुआ है। फिर से समझिए जो मैं आपको सिखा रहा हूं, उस चीज को समझिए, इसी में आंसर छुपा हुआ। देखिए रटना नहीं है, एक चीज और याद मत करना, रटना मत, चीजों को महसूस करो, फील करो। क्यू जो है वो सर्कल के बाहर है, आउटसाइड द सर्कल है, यही हमने लिखा है, क्यू सर्कल के बाहर है। अब अगर क्यू सर्कल के बाहर है और ये सर्कल के ऊपर है, पी तो सर्कल के ऊपर है और क्यू सर्कल के बाहर है, तो सीधी सी बात है ओ क्यू लॉन्गर होगा, ओपी शॉर्टर होगा। तो क्या लिखा है मैंने, ओ क्यू इज लॉन्गर देन ओपी, ओ क्यू ओपी से बड़ा है, ओ क्यू बड़ा है ओपी से। अब मैं कोई भी पॉइंट ले लू, पी के अलावा कोई भी पॉइंट ले लू, मैं एन ले लू, एम ले लू, एक्स ले लू, वाई ले लू, तो ओपी जो होगा वो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, सबसे कम दूरी पर होगा। मैं पी के अलावा कुछ भी पॉइंट ले लू, यहां 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 पे सारे पॉइंट भर दू, कितने भी पॉइंट यहां पे भर दू मैं, तो ओपी हमेशा सबसे कम डिस्टेंस पे होगा, क्योंकि बाकी सारे पॉइंट सर्कल के बाहर है, बाकी सारे पॉइंट सर्कल के बाहर है और पी जो है वो सर्कल के ऊपर है, तो ओपी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा और बाकी सारे पॉइंट ओपी से बड़े होंगे। तो मैंने क्या लिखा है देखो, फॉर ऑल पॉइंट अदर देन पी, पी के अधिक सभी पॉइंट के लिए जो ओपी होगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर होगा, पी के अतिरिक्त सभी बिंदुओं के लिए ओपी जो होगा वो न्यूनतम दूरी पर होगा, और न्यूनतम दूरी का मतलब ये होता है कि ये परपेंडिकुलर होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब यही होता है कि ये परपेंडिकुलर होगा, तो हैंस ओपी जो है परपेंडिकुलर है ए बी पे। तो लिखेंगे बेटा हैंस, अतः हैंस कि ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर है। तो ये आपका थ्योरम था जिसे आपने बहुत सिंपल तरीके से बेटा प्रूफ कर दिया, बहुत सिंपल तरीके से आपने प्रूफ कर दिया। केवल 3 स्टेप आपको याद रखना है, step number 1, step number 2 and step number 3, केवल ये 3 स्टेप में आपको नंबर मिल जाएंगे। क्यू जो है वो सर्कल के बाहर है, क्यू वृत्त के बाहर है, तो ओ क्यू हमेशा लॉन्गर होगा ओपी से, ओ क्यू ओपी से बड़ा होगा, ओ क्यू बड़ा है किससे बड़ा है ओपी से। For all point other than P, P के अतिरिक्त आप कोई भी point ले लो, वो हमेशा OP shorter distance होगा और बाकी सब longer distance होंगे। तो OP must be shorter distance, OP हमेशा shorter distance होना चाहिए। तो इसलिए अब shorter distance है, तो जो shortest distance होता है वो perpendicular होता है, तो OP जो है वो perpendicular है किस पर, AB पर। तो इस प्रकार से हमने theorem 10.1 को प्रूफ करा। ठीक है बेटा, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या था। एक बार लास्ट बार रिवाइज कर लो बेटा, आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, आपके पास एक सर्कल है, ए बी उसका टेंजेंट लाइन है, ये रेडियस है, हमें प्रूफ करना है कि ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो हमने गिवन में क्या लिखा है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, ए बी टेंजेंट लाइन है,
ठीक है, जो P पर इंटरसेक्ट करता है, हमें प्रूफ करना है कि OP परपेंडिकुलर AB पर। हमने पॉइंट ले लिया Q, OQ को मिला लिया, तो हमने टेकिंग अ पॉइंट Q, हमने एक पॉइंट Q लिया अदर देन P, जो P के अलग है, हमने एक पॉइंट Q लिया जो P से अलग है, कहां लिया, AB पे लिया, ऑन AB, और फिर हमने OQ को मिला दिया, यही करा था हमने। अब प्रूफ पे आए, जब हम प्रूफ पे आए तो हमने ये देखा क्वेश्चन के अंदर कि Q जो है वो आउटसाइड द सर्कल है, Q जो है वो सर्कल के बाहर है, जबकि P जो है वो सर्कल के ऊपर है। Q सर्कल के बाहर है तो OQ हमेशा लॉन्गर होगा, किससे लॉन्गर होगा, OP से। OQ बड़ा होगा, OP छोटा होगा। तो कोई भी पॉइंट ले लूं मैं इस लाइन पर, कोई भी पॉइंट ले लूं, ये जो मेरे पे डायग्राम है इस पे मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, जो नहीं आप इधर लो, आप इधर लेके देख लो, आप यहां लोगे पॉइंट, यहां लोगे पॉइंट, यहां यहां कहीं भी पॉइंट ले लो आप बेटा, कहीं भी पॉइंट ले लो वो हमेशा लॉन्गर होगा। आप कैसा भी पॉइंट ले लो, इधर पॉइंट ले लो या आप इधर पॉइंट ले लो, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, वो हमेशा लॉन्गर होगा। देखिए कहीं भी पॉइंट लोगे, ए बी पर कहीं भी पॉइंट ले लो, पी के अलावा कोई भी पॉइंट ले लो, ओपी जो होगा शॉर्टेड डिस्टेंस होगा। पी के अलावा कोई भी पॉइंट हम लेंगे ना ए बी पे, पी के अतिरिक्त हम ए बी पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो हमेशा वो लॉन्गर होगा, ओपी शॉर्टेड डिस्टेंस होगा। तो यही तो लिखा है मैंने, देखो ऑल पॉइंट अदर देन पी, P के अतिरिक्त सभी पॉइंट के लिए OP जो होगा वो शॉर्टेड डिस्टेंस पर होगा, और जो शॉर्टेड डिस्टेंस होता है वही तो परपेंडिकुलर होता है। तो इस प्रकार से बच्चों थ्योरम 10.1 आपका प्रूफ होता है। ठीक है बेटा, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे थ्योरम 10.2।